हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेशनल हाईवे 361 पर भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत नांदेड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, तो उसका आज अपडेट देखेंगे। अभी हम लोहा जो तालुका प्लेस है नांदेड डिस्ट्रिक्ट में, उसके आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक वन लाइन पर PQC का वर्क कम्प्लीट किया जा चुका है, और कम्प्लीट होने के बाद कि जो ट्रैफिक लाइन है दूसरी तरफ कि यहाँ पर PQC के ऊपर डाइवर्ट की जा चुकी है। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ सेक्शन में इसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी हम पारडी विलेज के पास है, जो लोहा सिटी से नांदेड की ओर जाते समय में, लोहा सिटी से 4 to 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट पर यहाँ पर एक पारडी विलेज है NH 361 पर। तो यहाँ पर एक व्हीकुलर अंडरपास का काम किया जा रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। ये विलेज में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर थे, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर थे, इसी वजह से यहाँ पर एक व्हीकुलर अंडरपास का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। न्यू अभी जो रोड बनाया जा रहा है 361, नेशनल हाईवे 361 का। तो आज के अपडेट में हम लोहा सिटी से नांदेड सिटी, यानी लोहा एक तालुका प्लेस है, और नांदेड सिटी तक जो NH 361 का पर जो काम किया जा रहा है, उसका आज हम अपडेट इसी अपडेट में देखेंगे। आप देख सकते हैं पिछले अपडेट में मैंने बताया था, तो पिछले अपडेट के मुकाबले जो पिछला जो अपडेट था वो लातूर डिस्ट्रिक्ट के अहमदपुर तालुका से नांदेड डिस्ट्रिक्ट के लोहा तालुका तक था। तो आज के अपडेट में हम लोहा से लेकर नांदेड सिटी तक का अपडेट देंगे। चलिए देखते हैं आगे कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है। हेलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं कारेगांव के पास। कारेगांव एक छोटा सा विलेज है इस NH 361 पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि फिर से एक बार हमको ट्रैफिक का डाइवर्जन मिला है कि लेफ्ट हैंडेड साइड से राइट हैंड साइड के ऊपर मूव कर रहे हैं हम अभी। तो यहाँ पर एक दूसरी साइड पर अर्थवर्थ का काम किया जा रहा है, इसीलिए जो PQC का जो पैच यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तो PQC का पैच बना है, तो इसीलिए ट्रैफिक का यहाँ पर डाइवर्जन दिया गया है कि दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है वो PQC का जो लेयर बन चुका है राइट हैंड साइड पे, उसकी तरफ डाइवर्ट की जा सकी है। तो दूसरी तरफ अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जब देखा था तो अहमदपुर और लोहा सिटी के बीच का जो NH का पार्ट है, वहाँ पर जो काम किया रहा था, उसके मुकाबले में यहाँ पर काम ज़्यादा हो चुका है। देख सकते हैं आप, वहाँ पर एक ही पैच पर PQC का पैच नहीं बना था पिछले पार्ट में हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ जो पैचेस है जो PQC के बन चुके हैं। राइट लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं आप, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, उसको ट्रांसपोर्ट गुरुद्वारा ही बोलते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर ट्रक लॉजिस्टिक व्हीकल यहाँ पर रुकते हैं, उनकी वहाँ पर सुविधा है रुकने की। फिर से एक बार अब हम आगे देखते हैं, यहाँ ऐसे छोटे छोटे PQC। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं सोनखेड़ विलेज के पास। देख सकते हैं आप यहाँ कर कि रोड के राइट हैंड साइड पर JCB वो मशीन की वजह से मदद से यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। फिर से एक बार हमको एक डाइवर्जन मिला है, यहाँ पर एक ब्रिज का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक छोटा सा पुराना ब्रिज था, उसकी जगह पर लेफ्ट हैंड साइड पर नया ब्रिज बनाया गया है। वो ब्रिज का काम वर्क कंप्लीट होने के बाद में वहाँ पर उस दूसरी साइड के ऊपर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, और इस साइड की ट्रैफिक को ब्रिज का यहाँ पर काम किया जा रहा है। देख सकते हैं दूसरे साइड पर PQC लेन का काम पेवर मशीन की मदद से
यहाँ पर किया जा रहा है, और यहाँ पर पीक्यूसी भी हो चुकी है, तो उसकी गन्नी बैग बिछाकर यहाँ पर उसकी क्यूरिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी समर का टाइम होने की वजह से हीट ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से क्यूरिंग पीक्यूसी की करना बहुत इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं यहाँ पर भी और एक छोटा सा एक ब्रिज है, तो उसके भी लेफ्ट साइड राइट साइड पर काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पर दूसरी ओर यहाँ पर कंटिन्यूस में तीन ब्रिजेस है स्मॉल देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों ही ब्रिज का लेफ्ट हैंड साइड का वर्क कंप्लीट हो चुका है, उस वाला पार्ट में पीक्यूसी का काम कम ओवर कंप्लीट होने के बाद इस साइड के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा दूसरी ओर, जहाँ पर ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी इधर वाली साइड पर उसको वर्क कंप्लीट होने के बाद इस सेक्शन में वर्क कहाँ पर किया जाएगा। देख सकते हैं दूसरी तरफ पीक्यूसी की क्यूरिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी हम सोनकेड़ विलेज के आगे आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी थोड़ा छोटा सा रफ पैच हमें मिला है। अभी जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये सोनकेड़ और जानापुर, ये दोनों छोटे से विलेज है NH 361 पर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ का पैच हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी ऐसा ही सिचुएशन है, कुछ कुछ जगह पर पीक्यूसी के पैचेस बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ पीक्यूसी के ऊपर ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, यानी सबग्रेड का प्रिपरेशन किया जा रहा है। सबग्रेड का प्रिपरेशन करने के बाद उसके ऊपर DLC का काम किया जाएगा, DLC यानी ड्राई लाइन कॉन्क्रीट, और उसके ऊपर में आ जाएगा PQC का लेयर जो पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट का रहता है, और उसके ऊपर हमारे व्हीकल चलते हैं। तो नेशनल हाईवे 361 का ये जो पार्ट है ये विदर्भा से जो साउथ महाराष्ट्र है उसको कनेक्ट करता है, तो ये महाराष्ट्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी सारा रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजरली एक्सप्रेस वे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, तो विदर्भ में जो इंडस्ट्री है तो वहाँ से जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट है साउथ महाराष्ट्र में जाने के लिए यही हाईवे का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक पुराना ब्रिज था तो उसको हटाकर नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है, ऐसा ही काम यहाँ पर चल रहा है। सर दूसरे रोड के दूसरी साइड पर यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। हाँ, तो ये जो पैकेज में कंपनी काम कर रही है वो KTIL यानी कल्याण इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी है, तो MP बेस यानी मध्य प्रदेश की कंपनी है, तो उसको इस काम का अवार्ड मिला है, तो काफ़ी तेज़ी के साथ KTIL यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही है, और उम्मीद कर सकते हैं कि 6 महीने में इस नेशनल हाईवे का अच्छा खासा प्रोग्रेस होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन मशीनरी डे नाइट यहाँ पर वर्क करते हुए, पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि वहाँ पर कितना काम हुआ था, उस पिछले अपडेट में इस वाले पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारा सेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एक साइड पर वर्क यहाँ पर किया जा रहा था, तो अभी दूसरी साइड पर
का सब ग्रेड प्रिपरेशन का काम किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है। कि ड्राइविंग क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी स्मूथ है। PQC का जो टेक्सचरिंग सरफेस बनाया गया है ऊपर से काफ़ी स्मूथ है। व्हीकल काफ़ी स्टेबल रहती है इसके ऊपर ड्राइव करते समय पे। एक और डाइवर्जन मिला है हमको यहाँ से। आगे जानापुरी विलेज है। जानापुरी और सोनखेड़ी छोटे से विलेज थे। इस विलेज का इसी नेशनल हाईवे की वजह से काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है। अभी सोनखेड़ में बहुत बहुत अच्छा खासा मार्केट है। रोड पर टी स्टॉल रेस्टोरेंट वगैरह, इसीलिए कहते हैं कि रोड से ही प्रॉस्पेरिटी आती है। तो उसका एक उदाहरण है यहाँ पर कि फिर से और एक ऐसा ऐसा चलता ही रहेगा नांदेड़ सिटी तक पहुँचने तक। क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से एक साइड ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जा चुका है एज़ पर द वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिस तरफ वर्क चल रहा है तो दूसरी तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा चुका है। लेकिन लोहा से नांदेड़ का जो सेक्शन है तो काफ़ी सारे पैचेस है ऐसे जो PQC के बन चुके हैं और वहाँ पर हम अभी ड्राइव रोड कंटिन्यू है। ट्रैफिक के लिए रोड ओपन कर किया चुका है लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। कुछ कुछ सेक्शन में इसका वर्क अभी भी यहाँ पर किया जा रहा है। अभी हम पहुँचे हैं जानापुरी विलेज के आगे। तो यहाँ से जानापुरी से नांदेड़ सिटी का डिस्टेंस है लगभग 15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हाईवे का जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर PQC पूरी तरह से कंप्लीट है और ट्रैफिक को, दोनों साइड के ट्रैफिक को यही एक ही सेक्शन पर डाइवर्ट किया जा चुका है ताकि दूसरी ओर काम किया जा सके। तो नेशनल हाईवे 361 का ये जो काम है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर किया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की का बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना है भारतमाला परियोजना। तो उसके अंदर देश भर के नेशनल हाईवे को बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दूसरे साइड पर GCB की मशीन की वजह से होम पाइप को यहाँ पर बिछाने का काम कर रहे और सबग्रेड प्रिपरेशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा विलेज है ये जो विलेज देख रहे हैं आप, यहाँ पर विलेज नहीं है, एक वाड़ी पाटी बोल के एक नाम है। तो वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर व्हीकुलर अंडरपास का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसकी वजह से यहाँ पर एक अंडरपासस व्हीकुलर अंडरपास का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। तो व्हीकुलर अंडरपास के लिए जो स्ट्रक्चर का काम है वहाँ पर किया जा रहा है, देख सकते हैं आगे। और उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दोनों तरफ में आर्थवर का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो उसी स्ट्रक्चर की मदद से इस व्हीकुलर अंडरपास को यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसको बनने के लिए और कुछ समय लग सकता है। KTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यहाँ पर इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये जो नेशनल हाईवे 361 का वारंगा से लेकर, वारंगा जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है तो वहाँ से लेकर औसाल जो लातूर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 272-280 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है NH 361 का, तो उसको पूरा काम तीन पैकेज में डिवाइड किया गया है। तो तीन, ये जो मिडल वाला पैकेज है सेकंड नंबर का पैकेज, इसको KTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यहाँ पर बनाई इस पैकेज के ऊपर काम कर रही है। चलिए आप देखते आगे कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है।
नांदेड़ की जो यूनिवर्सिटी है SRTM यानी श्री रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, यहाँ के गेट के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सामने एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइल का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और पियर के आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है, उसकी वजह से रोड को डाइवर्ट किया गया है। पहले यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट था, तो यहाँ पर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर पियर बनकर तैयार है, पियर के आपका यहाँ पर काम किया जा रहा है। साइड में साइड सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गर्डर्स रहेंगे ब्रिज के ऊपर लॉन्च करने के लिए, तो गर्डर का भी यहाँ पर कास्टिंग इसी जगह पर किया जा रहा है। सामने में नांदेड़ सिटी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर किसी ने वीडियो में पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो इसी तरह के अपडेट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।